ग्लोबल स्पाई यूनिवर्स की नई वेब सीरीज का इंडियन वर्जन यानी कि सिटाडेल हनी बनी मैंने फाइनली कल देख लिया है। प्राइम वीडियो के ऊपर ये नई वेब सीरीज कल के दिन ही आई है, जिसमें 40 से 50 मिनट के 6 एपिसोड्स हैं। बता दूं कि ग्लोबल स्पाय फ्रेंचाइजी सिटाडेल यूनिवर्स का भाई एक पार्ट होने वाली है। हाँ, वही सिटाडेल जो प्रियंका चोपड़ा ने बनाई थी, जिसमें कुछ भी देखने लायक नहीं था। इस सीन को अगर हटा दे तो कैसा रहा मेरा सीरीज का एक्सपीरियंस, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद आए तब तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिटाडेल हनी बनी प्रियंका चोपड़ा वाले सिटाडेल, जो ओरिजिनल सिटाडेल है, उसका कोई रीमेक नहीं है, ना ही कोई उसका अडेप्टेशन है। ये बल्कि प्रियंका चोपड़ा वाले सिटाडेल यूनिवर्स का एक प्रीक्वल सीरीज है, जिसमें आपको प्रियंका चोपड़ा के जो मदर और फादर थे वो किस तरीके से सिटाडेल में एंटर करते हैं, उसकी कहानी आपको देखने के लिए मिलती है। यानी कि वरुण धवन और समांथा प्रियंका चोपड़ा के मदर और फादर का रोल को प्ले करते हैं इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज में एक बच्ची भी दिखाई गई है इन दोनों की, जो प्रियंका चोपड़ा ही रहती है। तो अब बात करें ये सीरीज एक्चुअल में कैसी है। जो ओरिजिनल सिटाडेल थी प्रियंका चोपड़ा वाली, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, वो तो पूरा भाई पैसा और टाइम दोनों की बर्बादी थी। इतना पैसा उसके ऊपर प्राइम वीडियो ने बर्बाद किया ना भाई, किया भाई, आंसू निकल जाते हैं, बल्कि हमारे जेब से कुछ गया भी नहीं है। लेकिन दिमाग में सेकंड थॉट ये आता है कि भाई जब आग ही लगानी थी ना, तो सच में आग लगा देते, कम से कम ये सीरीज तो नहीं बनाते। वो इतनी ज़्यादा फालतू सीरीज थी, देखने में उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। उसमें भी 6 एपिसोड थे, लेकिन यार देखने के टाइम ऐसे लग रहा था कि भाई 600 एपिसोड तो नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन मेरी इस नई सीरीज के साथ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जब पहला एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ख़राब था, तो भाई मैं एक गलती ना दो बार बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो मैंने बस इसको देखना शुरू कर दिया। इसका जो ट्रेलर था वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा लगा था मेरे को, तो एक्सपेक्टेशन मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन साफ साफ बताओ ना, मैं अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस, तो यार मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा है। एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन सीरीज ना मैं देख पाया स्टार्ट टू दी एंड। 6 एपिसोड से मैं देख रहा था सीरीज, मेरे को टॉर्चर नहीं कर रही थी, मेरे को ओवरऑल ना मज़ा ही आया। और आप भी इसको देख सकते हो अगर आपको स्पाई मिशन बिट्रियल इस टाइप की स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है आपको, तो ये सीरीज के अंदर वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। हाँ, ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, बहुत ही फ्लैट सी स्टोरी है। ज़्यादा कुछ आपको शॉकिंग मोमेंट इसमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एक्शन बढ़िया है, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स बिल्कुल भी नहीं है। आप देखते जाते हो, इंटरेस्ट आपका बने रहता है कि अब क्या होने वाला है, और ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली ख़त्म नहीं भी होती है, जिस तरीके से इसको एंड किया गया है ना यार, इसको और भी इसके आगे पार्ट्स आने वाले हैं, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, तो इसको भी ज़रा ध्यान में रखना। और जैसा कि यार मैंने शुरुआत में आपको बोला, जो ओरिजिनल सिटाडेल थी, जो 1600-2500 करोड़ जितना भी था वो, उससे ये करोड़ों गुना बेहतर है। इतना ही काफ़ी है भाई साहब इसको देखने के लिए। और ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रूसो ब्रदर्स प्राइम वीडियो के एम्बिशियस प्रोजेक्ट को ना इस इंडियन वर्जन ने ना भाई लाज बचा ली है। तो बस यही था मेरा रिव्यू सिटाडेल हनी बनी इस नई वेब सीरीज के लिए, जो मेरे को बढ़िया लगी। और हाँ, आपको भी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। फैमिली के साथ तो कौन देखता है वेब सीरीज आज के टाइम में, लेकिन देखो दो तीन जगह गालियों का यूज़ किया गया है। एक किसिंग का सीन भी है, और एक सीन में वरुण धवन के पीछे से ना बम दिखाया गया है। एक तो पता नहीं ये वेब सीरीज में पीछे से बम दिखाने का क्या चस्का रहता है इनको, तो आप देख लेना, मतलब नहीं देखना है फैमिली के साथ, अकेले देखो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक वीडियो देख लिए। सब्सक्राइब करके याद से जाना, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सॉरी, बाय।